हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अनवर अमीर अंसारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूरेटिव होम्योपैथी के साथ। दोस्तों, हमारा चैनल का मकसद है कि आम लोगों तक का, घर घर तक का सेहत पहुंचाना और होम्योपैथी पहुंचाना, होम्योपैथी के ज़रिए सेहत पहुंचाना। और ये हम 80% जो बीमारियाँ हैं हम इसमें हम हासिल कर सकते हैं। आज का हमारा जो विशेष टॉपिक है उसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जी हाँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं नामर्दी, सेक्स की कमी या इम्पोटेंसी। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत पोशीदा है, आम है, बहुत आम है, पोशीदा है। आपके इर्द गिर्द में आपके दोस्तों को बहुत सारी चीज़ें हैं, सेक्स की वीकनेस है, उन्हें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि उन्हें प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, सेक्स का इशू है, उन्हें नहीं मालूम। ये चीज़ ऐसी है कि गोपनीय है, सीक्रेटिव है, इसलिए जो है लोगों में डिस्कशन नहीं होता है, बात नहीं होती है। आज हम बात करेंगे जो कुछ मेन वजूहात की। देखिए, सेक्स क्या है? सेक्स सिर्फ खाली आपके लिंग से ताल्लुक नहीं है उसका। सेक्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, सबसे पहले ब्रेन का है, हॉर्मोन्स का है, इमोशंस का है, जज्बात का है, फिर नर्व्स का है, मसल्स का है और ब्लड फ्लो का है। ये सब पूरा जब होता है, सर्कल पूरा बनता है, तो उससे एक अच्छा सेक्स आता है। और कहीं कहीं भी किसी स्तर के ऊपर अगर प्रॉब्लम अगर हो, चाहे ब्रेन के लेवल के ऊपर हो या लिंग के लेवल पर हो, ब्लड फ्लो के लिए, तो उसमें सेक्स आपका कम हो सकता है, नामर्दी आ सकती है। नामर्दी ऐसा नहीं कि परमानेंट है, कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेरी तौर के ऊपर भी लोगों को नामर्दी आती है। मिसाल तौर पर एंग्जाइटी, टेंशन के अंदर औरत के पास में गया, उसका स्टैंड नहीं हुआ और वो बैठ गया इरेक्शन, और उसको लगता है कि मैं क्या, मैं नामर्द हो गया। जब हम जवान होते हैं, 18-20 साल की उम्र में होते हैं, तो उस वक्त में जो स्पॉन्टेनियस इरेक्शन आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे हमें समझदारी आती है, तो हमें ये समझ में आता है कि अभी ये इरेक्शन नहीं आना चाहिए, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी समझ बढ़ती है, तो औरत की क्लोजनेस ज़रूरी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नामर्द हो गए। और जब जो ट्रू इम्पोटेंसी है, उसके लिए होम्योपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। आमतौर पर देखिए कि क्यों होता है, किसी तरह से, किसी वजह से, अगर मिसयूज़ की वजह से आपने बहुत ज़्यादा सेक्स अगर किया है और अगर उसके वजह से नामर्दी अगर आ गई है, तो हमारे पास में बहुत अच्छी जो दवाई, उसका नाम है एग्नस कैस्टस। एग्नस कैस्टस जो है, अलामतों के बिना पर अगर सलाह के साथ में अगर इस्तेमाल किया जाए, इसके सिम्टम्स के हिसाब से, तो वो बहुत बढ़िया काम करती है, बेहतरीन काम करती है। इसी तरह से अगर स्ट्रेस और टेंशन की वजह से, अगर एंग्जाइटी की वजह से अगर कोई मामला ऐसा आता है सेक्स के अंदर कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने औरत के पास में गए, कॉन्फिडेंस नहीं रहा और वो इरेक्शन ठंडा हो गया या पानी गिर गया जल्दी, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसे केसेस में बहुत काम आती है। एक दवा है लाइकोपोडियम, जहाँ पर बिल्कुल जो आपका जो लिंग एकदम बर्फ़ के जैसा ठंडा हो जाता है कि उसमें कुछ जानी नहीं होती है, वो तो लाइकोपोडियम और ऐसे किस्म के जो है सेक्स के अंदर वो इम्पोटेंसी में काम करता है। एक दवाई है जहाँ पर पूरा जो आपका जो सेक्स ऑर्गन लुथड़े की तरह, गोश्त की तरह लटक जाता है, उसकी दवाई है क्लिडियम। तो अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग अलामत के हिसाब से दी जाती हैं, और जब ये दी जाती हैं तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो मार्वलस आता है। क्योंकि ये पूरा जो मामला जो है जहन से ताल्लुक है, इसके लिए जहन की अलामतें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दवाई है जिससे कि सेक्स में ऐसा होता है कि भाई आदमी को तनाव भी जल्दी नहीं आता, और आता है थोड़ा सा आता है, औरत के पास में गया, एक बार पूछ भी नहीं मारा तो उसको पानी गिर जाता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जिसे हम कहते हैं। उसके लिए एक बहुत बेहतरीन दवाई होम्योपैथी में, अगर किसी को अगर ये इस किस्म की अलामती वाली शिकायत है, तो इसका इस्तेमाल करके आप मुझे फौरन बताएं कि मैं इसका रिज़ल्ट क्या है। दवा के नाम है टाइटेनियम। टाइटेनियम लोअर पावर के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन का जो मामला है, ये बहुत जल्दी हल हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर है, नक्सोमिका है, सेलेक्स नाइग्रा है, और सेलिनियम है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं सेक्स के लिए इस किस्म की, और दीगर बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी में, ऐसी दवाइयाँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो
बिल्कुल फैमिलीज जो मतलब मुरझा गई फैमिलीज के अंदर ये जान ले कह सकती है, रिलेशनशिप जो ख़राब हो गए हैं, हमने ये भी कर पाया है कि मतलब कि होम्योपैथी दवाइयों से कुछ घर जो टूटने वाले थे बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी, औरत मरद में नाइतफाकी जो होती थी उसकी वजह से हम लोग जो करते थे, तो हम लोग वो भी घर भी बचा पाए हैं। ये कुवत है होम्योपैथी के अंदर। अगर दवाइयाँ जो है सिम्टम्स के हिसाब से अगर बराबर से चयन किया जाए इसका, और अगर सिम्टम्स मैच होते हों, तो ये दवा जो है रामबाण की तरह काम करती है। हम चाहते हैं कि मतलब इस किस्म की जो ऐसी ऐसी दवाइयाँ जो मतलब होम्योपैथी में हैं, उसका जो फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचना चाहिए आपको, ये आम घर तक क्यों नहीं पहुँचना चाहिए, ये घर घर क्यों नहीं पहुँचना चाहिए। सेहत फॉर एवरीबडी यानी हेल्थ फॉर ऑल, जिसका अगर हम कोशिश करना चाहते हैं, तो इसके लिए होम्योपैथी का इस्तेमाल आपको करना अनिवार्य है। इसके बगैर में हेल्थ फॉर ऑल बाई 2030 हम कभी अचीव नहीं कर सकते। एक दवाई और है जिसका नाम है मुइरा पुआमा। ये दवाई ऐसी है कि आपका सेक्स पावर बढ़ाती है। इसके अलावा में बराइडा काब नाम की एक दवाई है जो है जो प्रीमेच्योर डिलीवरी में बहुत काम आती है। इसके साथ बहुत ढेर सारी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी एक समंदर है, कौन सा मोती आपको निकालना है उस पर निकाल दीजिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मैसेज हेल्थ फॉर ऑल बाई 2030 ये जो है आम लोगों तक पहुँचे, उसमें आप हमारी आपकी सहायता हमको चाहिए। और अगर आपके गांव में या शहर में ये दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है या कोई मुश्किल होती है, तो आप हमसे रابطہ कायम कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर पे हम हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं, और हम फिर आपका अलामतों के हिसाब से जैसे कि जो खूबी है होम्योपैथी की, हम उसके हिसाब से आपको दवाई देंगे, तो आपके बरसों पुराना मामला भी वो भी ठीक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरेटिव होम्योपैथी को अभी सब्सक्राइब करें, और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें। साथ ही अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और डॉक्टर अनवर अंसारी से सीधे बात करके अपनी बीमारी का इलाज जानने के लिए आप हमारे नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।